साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू म्यूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू म्यूटेंट्स मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा। और इस मूवी की रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था। और अब बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड दे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनएजर्स एंड द फिल्म वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विच द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम, बट आई एम एक्समैन फैन। आई शो आई न्यू एन अप दैट आई कैन फ्लो द स्टोरी इज गुड ट्रेड नेशनल पावर ऑफ म्यूटेंट एंड गुड एन अप फॉर मी। इट सीम दीज किड्स प्रिपेयर टू रन अवे रेदर दैन फाइट वैन क्लियरली ऑफ द स्ट्रोंगर एंड गुड चेसिंग फॉर दिस करेक्टर ऑफ द सिंसियर एंड इफेक्ट टू ब्रिंग अबाउट सिंपल द डेमन बियर ऑफ द गुड थ्रू आउट फाइट बिटवीन एंड मैजिक वॉज सो फेवरेट सिंस द आई वॉज वंडरिंग इन दिस फिल्म वॉज सेट इन द सेम कंटिन्यूटी एज अदर एक्स मैन फिल्म एट द रेस्ट एजुरेट दिस इज डन थैंक्स टू टी सीन्स ऑफ वेदर दैन ऑफ डिसीजन प्रोफेसर एक्स हिमसेल्फ वॉज द माइस्ट्री बेकर ऑफ द फैकल्टी एंड गुड एक्सटेंड सम फुटेज यूज इन द फिल्म लोगान फ्रॉम ए कपल ईयर्स ईयरली नाइस फाइनल वर्डक्ट फॉर सिम समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड जस्ट कम फ्रॉम द सिंग न्यू म्यूटेंट्स लेट मी स्टार्ट ऑफ बाई एड्रेसिंग ए कपल ऑफ प्रीवियस रिव्यू अबाउट दिस मूवी। आई रियली एंड गुड यस्टरडे दैट समवन सैड न्यू म्यूटेंट्स इज बेटर दैन एक्समैन अपोलो एंड डार्क फीनिक्स इज द माई ओपिनियन। वेल आई होनेस्टली एन्जॉय डार्क फीनिक्स मोर दैन न्यू म्यूटेंट्स इज द लिटिल बेटर दैन एंड ओवरऑल आई थ्रू आउट द फिल्म वॉज ओके नथिंग स्पेक्टकुलर बट एंड विलेंस इन द फिल्म एंड गुड म्यूटेंट मेडिकल फैकल्टी इज डेस्पाइट नेगेटिव रिव्यू द फिल्म पोर्टेबल द स्टोरी ऑफ द न्यू म्यूटेंट्स इज द कंटोपेरी वे विदाउट फिलिंग फोर्स एंड गुड कमिंग्स फॉर दिस मूवी एंड करेक्टर कपल कुल्ड हैव द सिनेमाटोग्राफी वॉज एक्सीलेंट लॉट्स ऑफ डार्क कलर एंड ड्रीम लाइक सिक्वेंसिस सम ऑफ द सीन्स टैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी द अनफिनिश्ड एंड गुड थिंक अबाउट बिंस दिस मोलम इज रियली अनक्यूए इज टेलिंग ए कमिंग बुक बेसिड स्टोरी एंड इंट्रोडक्शन न्यू सेट ऑफ म्यूटेंट्स ऑफ द मार्वल एक्समैन यूनिवर्सल। इट इज द पार्ट हॉरर पार्ट साइंस फिक्शन बट इज द फील लाइक ए गुड एंड द एमसीयू इज करेक्टर इज बैक स्टोरी वॉज टीजर एंड फॉर दिस मूवी एंड सरप्राइज फॉर दिस शो द लास्ट नाइट ऑफ द गुड आई डोंट अंडरस्टैंड एंड गुड बैलेंसिंग बिटवीन डिसेंट रनिंग टू ऑफ द गुड थ्रू आउट ऑफ द गुड एंड अन्या टेलर ऑफ जॉय परफॉर्मेंस मैजिक इज द स्टैंड आउट ऑफ द गुड लुक्स ऑफ द गुड थिंक अबाउट वेरी एंड वेनम मूवी एंड टॉम हार्डी एंड गुड जस्ट वॉज द न्यू म्यूटेंट्स एंड द वाई इंप्रेसिव आई वेज ए सॉफ्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड गुड स्पेंट ऑफ द गुड एक्सप्लोरर आई पोर्टेबल ऑफ मैजिक एंड बेटर दैन पावर हाउस ऑफ द दिस वॉज फार वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द बैरेंस एंड मैन डैम इज द यूनिवर्सल ऑफ द स्टोरी द फिल्म रेडिएशन इज द हॉट एंड हार्ट करैक्टर डेवलपमेंट बैक स्टोरी ऑफ द नो आइडिया रिव्यू समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी एंड दिस एंड लीगल ऑफ द गुड स्टोरी एक्सप्लोरेशन लेट मी understand for this movie breakfast and good of the under children poor story endless and good pointless I have everything about good performance this movie and good the new mutants because of the low review and I went entertainment but after watching and this movie after reading movie review of the example foundation I had so much fun watching this movie I have better than I thought is the masala williams and good anya taylor joy so I finally decide of the good the new movie that come out new mutants I have
सीन प्रीवियस एक्स मैन इंस्टामेट इंक्लूडेड पुल ऑफ द फिल्म पोर्टेबल एंड स्पेशल ड्यूरिंग एंड पैडमिक एंड आई पर्सनली थ्रू आउट दिस मूवी वॉज अमेजिंग पर्सनली डेस्पाइट द नेगेटिव रिव्यू द एक्टिंग वॉज ग्रेट एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द करेक्टर रियली मैड इज द सेम मॉडर्न डेस्पाइट सम ऑफ द अदर थिंग्स शो एंड सैड इन द मूवी वी गोट टू सी सम न्यू म्यूटेंट पावर दैट वेरी रियली कूल एंड डेफिनेटली नुड टू ऑफ द डेफिनेटली ऑफ द शो फॉर दिस आई एंजॉय द न्यू म्यूटेंट्स द सिनेमाटोग्राफी इज वेल डन द कास्ट इज ग्रेट द स्टोरी हैज ए नाइटमेयर ऑफ द गुड कंप्लीमेंट ब्रेक टेकिंग ऑफ द गुड एंड दिस मूवी एंड गुड आई जस्ट ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी। साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू म्यूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू म्यूटेंट्स मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा। और इस मूवी की रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था। और अब बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड दे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनएज एंड द फिल्म वॉज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विच द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम बट I am X-Men fan. I show I knew enough that I can follow the story is good traditional power of mutant and good enough for me. It seems these kids prepare to run away rather than fight when clearly of the stronger and good chasing for this character of the sincere and effect to bring about simple the demon bear of the good throughout fight between and magic was so favorite since the I was wondering in this film was set in the same continuity as other X-Men film at the rest assured this is done thanks to T-Sense of weather than of decision Professor X himself was the maestri baker of the faculty and good extend some footage used in the film Logan from a couple years early nice final verdict for him something and good think about I have everything about good and just come from the seeing new mutants let me start off by addressing a couple of previous review about this movie I really and good yesterday that someone said new mutants is better than X-Men Apollo and Dark Phoenix is the my opinion well I honestly enjoy Dark Phoenix more than New Mutants is the little better than and overall I throughout the film was okay nothing spectacular but and villains in the film and good mutant medical faculty is despite negative review the film portable the story of the New Mutants is the contemporary way without feeling forced and good comings for this movie and character couple could have the cinematography was excellent lots of dark color and dream like sequences some of the scenes stand of the opportunity the unfinished and good think about bunch this film is really NQA is telling a coming book based story and introduction new set of mutants of the Marvel X-Men universal it is the part horror part science fiction but is the feel like a good and the MCU each character is back story was teaser and for this movie and surprise for this show the last night of the good I don't understand and good balancing between decent running to of the good throughout of the good and Anya Taylor of joy performance magic is the stand out of the good looks of the good think about very and venom movie and tom hardy and good just was the new mutants and the why impressive I was a soft disappointment and good spent of the good Explorer I portable of magic and better than powerhouse of the this was far one of the best example of the balance and man damn is the universal of the story the film radiation is the hot and heart character development back story of the no idea review something and good think about very fantastic I have everything about good and good performance this movie and this and legal of the good story exploration let me understand
अंडरस्टैंड फॉर दिस मूवी ब्रेक फास्ट एंड गुड ऑफ द अंडर चिल्ड्रन पुअर स्टोरी एंड लेस एंड गुड पॉइंटलेस आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी एंड गुड द न्यू म्यूटेंट्स बिकॉज ऑफ द लव रिव्यू एंड आई वेंट एंटरटेनमेंट बट आफ्टर वॉचिंग एंड दिस मूवी आफ्टर रीडिंग मूवी रिव्यू ऑफ द एग्जाम्पल फाउंडेशन आई हैड सो मच फन वॉचिंग दिस मूवी आई हैव बेटर देन आई थॉट इज द मसाला विलियम्स एंड गुड अन्या टेलर जॉय सो आई फाइनली डिसाइड ऑफ द गुड द न्यू मूवी दैट कम आउट न्यू म्यूटेंट्स आई हैव सीन प्रीवियस एक्समैन इंस्टामैट इंक्लूड डीड पुल ऑफ द फिल्म पोर्टेबल एंड स्पेशल ड्यूरिंग एंड पैडमिक एंड आई पर्सनली थ्रू आउट दिस मूवी वॉज अमेजिंग पर्सनली डेस्पाइट द नेगेटिव रिव्यू द एक्टिंग वॉज ग्रेट एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द करेक्टर रियली मैड इज द सेम मोर मॉडर्न डेस्पाइट सम ऑफ द अदर थिंग्स शो एंड सैड इन द मूवी वी गोट टू सी सम न्यू म्यूटेंट पावर दैट वेरी रियली कूल एंड डेफिनेटली नुड टू ऑफ द definitely of the show for this I enjoy the new mutants the cinematography is well done the cast is great the story has a nightmare of the good compliment breathtaking of the good and this movie and good I just hope the good performance this movie साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू म्यूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू म्यूटेंट्स मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा। और इस मूवी की रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था। और अब बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड दे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनएजर्स एंड द फिल्म वॉज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विच द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम बट I am X-Men fan. I show I knew enough that I can follow the story is good trade national power of mutant and good enough for me. It seems these kids prepare to run away rather than fight when clearly of the stronger and good chasing for this character of the sincere and effect to bring about simple the demon bear of the good throughout fight between and magic was so favorite since the I was wondering in this film was set in the same continuity as अदर एक्स मैन फिल्म एट द रेस्ट एजुरेट दिस इज डन थैंक्स टू टी सीन्स ऑफ वेदर दैन ऑफ डिसीजन प्रोफेसर एक्स हिमसेल्फ वाज द माइस्ट्री बेकर ऑफ द फैकल्टी एंड गुड एक्सटेंड सम फुटेज यूज इन द फिल्म लोगान फ्रॉम ए कपल ईयर्स ईयरली नाइस फाइनल वर्डक्ट फॉर थिंग समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड जस्ट कम फ्रॉम द सिंग न्यू म्यूटेंट्स लेट मी स्टार्ट ऑफ बाई एड्रेसिंग ए कपल ऑफ प्रीवियस review about this movie I really and good yesterday that someone said new mutants is better than x-men apollo and dark phoenix is the my opinion well I honestly enjoy Dark Phoenix more than New Mutants is the little better than and overall I throughout the film was okay nothing spectacular but and villains in the film and good mutant medical faculty is despite negative review the film portable the story of the New Mutants is the contemporary way without feeling force and good comings for this movie and character couple could have the cinematography was excellent lots of dark color and dream like sequences some of the scenes stand of the opportunity the unfinished and good think about bunch this film is really NQA is telling a coming book based story and introduction new set of mutants of the Marvel X-Men universal it is the part horror part science fiction but is the feel like a good and the MCU each character is back story was teaser and for this movie and surprise for this show the last night of the good I don't understand and good balancing between decent running to of the good throughout of the good and Anya Taylor of joy performance magic is the stand out of the good looks of the good think about very and venom movie and tom hardy and good just was the new mutants and the why impressive I was a soft disappointment and good spent of the good
एक्सप्लोरर आई पोर्टेबल ऑफ मैजिक एंड बेटर देन पावर हाउस ऑफ द दिस वाज फॉर वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ब्रांच एंड मैन डैम इज द यूनिवर्सल ऑफ द स्टोरी द फिल्म रेडिएशन इज द हॉट एंड हार्ट करेक्टर डेवलपमेंट बैक स्टोरी ऑफ द नो आइडिया रिव्यू समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी एंड दिस एंड लीगल ऑफ द गुड स्टोरी एक्सप्लोरेशन लेट मी understand for this movie breakfast and good of the under children poor story endless and good pointless I have everything about good performance this movie and good the new mutants because of the low review and I went entertainment but after watching and this movie after reading movie review of the example foundation I had so much fun watching this movie I have better than I thought is the masala williams and good anya taylor joy so I finally decide of the good the new movie that come out new mutants I have seen previous X-Men installment include Deadpool of the film Portable and special during and pandemic and I personally throughout this movie was amazing personally despite the negative review the acting was great and the diversity of the character really made it the same more modern despite some of the other things so and said in the movie we got to see some new mutant power that very really cool and definitely nod to of the definitely of the show for this I enjoy the new mutants the cinematography is well done the cast is great the story has a nightmare of the good compliment breathtaking of the good and this movie and good I just of the good performance this movie साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू म्यूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू म्यूटेंट्स मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा। और इस मूवी की रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था। और अब बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड डे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनएजर्स एंड द फिल्म वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विच द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम बट I am X-Men fan I show I knew enough that I can follow the story is good trade national power of mutant and good enough for me it seem these kids prepare to run away rather than fight when clearly of the stronger and good chasing for this character of the sincere and effect to bring about simple the demon bear of the good throughout fight between and magic was so favorite since the I was wondering in this film was set in the same continuity as other X-Men film at the rest assured this is done thanks to T scenes of rather than of decision professor X himself was the mystery baker of the faculty and good extend some footage used in the film Logan from a couple years early nice final verdict for him something and good think about I have everything about good and just come from the seeing new mutants let me start off by addressing a couple of previous review about this movie I really and good yesterday that someone said new mutants is better than X-Men Apollo and Dark Phoenix is the my opinion well and I honestly enjoy Dark Phoenix more than New Mutants is the little better than and overall I throughout the film was okay nothing spectacular but and villains in the film and good mutant medical faculty is despite negative review the film portable the story of the New Mutants is the contemporary way without feeling forced and good comings for this movie and character couple could have the cinematography was excellent lots of dark color and dream like sequences some of the scenes stand of the opportunity the unfinished and good think about bunch this film
इज रियली एनक्यूए इज टेलिंग ए कमिंग बुक बेसिड स्टोरी एंड इंट्रोडक्शन न्यू सेट ऑफ म्यूटेंट्स ऑफ द मार्वल एक्समैन यूनिवर्सल इट इज द पार्ट हॉरर पार्ट साइंस फिक्शन बट इज द फील लाइक ए गुड एंड द एमसीयू इज कैरेक्टर इज बैक स्टोरी वाज टीजर एंड फॉर दिस मूवी एंड सरप्राइज फॉर दिस शो द लास्ट नाइट ऑफ द गुड आई डोंट अंडरस्टैंड एंड गुड बैलेंसिंग बिटवीन डिसेंट रनिंग टू ऑफ द गुड थ्रू आउट ऑफ द गुड एंड अन्या टेलर ऑफ जॉय परफॉर्मेंस मैजिक इज द स्टैंड आउट ऑफ द गुड लुक्स ऑफ द गुड थिंक अबाउट वेरी एंड वेनम मूवी एंड टॉम हार्डी एंड गुड जस्ट वॉच द न्यू म्यूटेंट्स एंड द वाई इंप्रेसिव आई वेज ए सॉफ्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड गुड स्पेंट ऑफ द गुड एक्सप्लोरर आई पोर्टेबल ऑफ मैजिक एंड बेटर दैन पावर हाउस ऑफ द दिस वॉज फार वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द बैरेंस एंड मैन डैम इज द यूनिवर्सल ऑफ द स्टोरी द फिल्म रेडिएशन इज द हॉट एंड हार्ट करैक्टर डेवलपमेंट बैक स्टोरी ऑफ द नो आइडिया रिव समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी एंड दिस एंड लीगल ऑफ द गुड स्टोरी एक्सप्लोरेशन लेट मी understand for this movie breakfast and good of the under children poor story endless and good pointless I have everything about good performance this movie and good the new mutants because of the low review and I went entertainment but after watching and this movie after reading movie review of the example foundation I had so much fun watching this movie I have better than I thought is the masala williams and good anya taylor joy so I finally decided of the good the new movie that come out new mutants I have seen previous X-Men Instamat include Deadpool of the film portable and special during and pandemic and I personally throughout this movie was amazing personally despite the negative review the acting was great and the diversity of the character really made it seem more modern despite some of the other things so and said in the movie we got to see some new mutant power that very really cool and definitely nod to of the definitely of the show for this I enjoy the new mutants the cinematography is well done the cast is great the story has a nightmare of the good compliment breathtaking of the good and this movie and good I just hope the good performance this movie साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू म्यूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू म्यूटेंट्स मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था। और अब बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड दे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनएज एंड द फिल्म वॉज बेटर दैन आई एक्सपेक्टेड आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विच द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम बट I am X-Men fan I show I knew enough that I can follow the story is good traditional power of mutant and good enough for me it seems these kids prepare to run away rather than fight when clearly of the stronger and good chasing for this character of the sincere and effect to bring about simple the demon bear of the good throughout fight between and magic was so favorite since the I was wondering in this film was set in the same continuity as other X-Men film at the rest as you read this is done thanks to T scenes of rather than of decision professor X himself was the maestri baker of the faculty and good extend some footage used in the film Logan from a couple years early nice final verdict for him something and good think about I have everything about good and just come from the seeing new mutants let me start off by addressing a couple of previous review about this movie I really and good yesterday that someone said new mutants is better than X-Men Apollo and Dark Phoenix is the my opinion well and
आई होनेस्टली एंजॉय डार्क फीनिक्स मोर दैन न्यू म्यूटेंट्स इज द लिटिल बेटर दैन एंड ओवरऑल आई थ्रू आउट द फिल्म वॉज ओके नथिंग स्पेक्टकुलर बट एंड विलेंस इन द फिल्म एंड गुड म्यूटेंट मेडिकल फैकल्टी इज डेस्पाइट नेगेटिव रिव्यू द फिल्म पोर्टेबल द स्टोरी ऑफ द न्यू म्यूटेंट्स इज द कंटेम्पोररी वे विदाउट फीलिंग फोर्स एंड गुड कमिंग्स फॉर दिस मूवी एंड करेक्टर कपल कुल्ड हैव द सिनेमाटोग्राफी वॉज एक्सीलेंट लॉट्स ऑफ डार्क कलर एंड ड्रीम Like sequences, some of the scenes stand of the opportunity, the unfinished and good thing about Bunch, this film is really unique, is telling a coming book based story and introduction new set of mutants of the Marvel X-Men Universal. It is the part horror, part science fiction, but is the feel like a good and the MCU is character is back story was teaser and for this movie and surprise for this show the last night of the good I don't understand and good balancing between decent running two of the good throughout of the good and Anya Taylor of Joy performance magic is the stand out of the good looks of the good thing about Very and Venom movie and Tom Hardy and good just was the new mutants and the why impressive I was a soft disappointment and good spent of the good Explorer I portable of magic and better than powerhouse of the this was far one of the best example of the balance and man damn is the universal of the story the film radiation is the hot and heart character development back story of the no idea you something and good thing about very fantastic I have everything about good and good performance this movie and this and legal of the good story exploration let me understand for this movie break past and good of the under children poor story and less and good pointless I have everything about good performance this movie and good the new mutants because of the low review and I went entertainment but after watching and this movie after reading movie review of the example foundation I had so much fun watching this movie I have better than I thought is the masala williams and good Anya Taylor Joy so I finally decide of the good the new movie that come out new mutants I have seen previous X-Men Instamat include Deadpool of the film portable and special during and pandemic and I personally throughout this movie was amazing personally despite the negative review the acting was great and the diversity of the character really made it seem modern despite some of the other things show and said in the movie we got to see some new mutant power that very really cool and definitely nod to of the Definitely of the show for this I enjoy the new mutants the cinematography is well done the cast is great the story has a nightmare of the good compliment breathtaking of the good and this movie and good I just hope the good performance this movie साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू म्यूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की जी हाँ इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू म्यूटेंट्स मूवी था जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था और अब बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड दे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनएज एंड द फिल्म वॉज बेटर दैन आई एक्सपेक्टेड आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विच द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम बट I am X-Men fan. I show I knew enough that I can follow the story is good trade national power of mutant and good enough for me. It seems these kids prepare to run away rather than fight when clearly of the stronger and good chasing for this character of the sincere and effect to bring about simple the demon bear of the good throughout fight between and magic was so favorite since the I was wondering in this film was set in the same continuity as
एज अदर एक्स मैन फिल्म एट द रेस्ट एजुरेट दिस इज डन थैंक्स टू टी सेंस ऑफ वेदर दैन ऑफ डिसीजन प्रोफेसर एक्स हिमसेल्फ वाज द माइस्ट्री बेकर ऑफ द फैकल्टी एंड गुड एक्सटेंड सम फुटेज यूज इन द फिल्म लोगान फ्रॉम ए कपल ईयर्स ईयरली नाइस फाइनल वर्डक्ट फॉर थिम समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड जस्ट कम फ्रॉम द सिंग न्यू मूटेंट्स लेट मी स्टार्ट ऑफ बाई एड्रेसिंग ए कपल ऑफ प्रीवियस रिव्यू अबाउट दिस मूवी आई रियली एंड गुड यस्टरडे दैट समवन सैड न्यू मूटेंट्स इज बेटर दैन एक्समैन अपोलो एंड डार्क फीनिक्स इज द माई ओपिनियन वेल I honestly enjoy Dark Phoenix more than New Mutants is the little better than and overall I throughout the film was okay nothing spectacular but and villains in the film and good mutant medical faculty is despite negative review the film portable the story of the New Mutants is the contemporary way without feeling forced and good comings for this movie and character couple could have the cinematography was excellent lots of dark color and dream like sequences some of the scenes stand of the opportunity the unfinished and good think about means this film is really NQA is telling a coming book based story and introduction new set of mutants of the Marvel X-Men universal it is the part horror part science fiction but is the feel like a good and the MCU each character is back story was teaser and for this movie and surprise for this show the last night of the good I don't understand and good balancing between decent running two of the good throughout of the good and Anya Taylor of Joy performance magic is the stand out of the good looks of the good think about very and Venom movie and Tom Hardy and good just was the new mutants and the why impressive I was a soft disappointment and good spent of the good Explorer I portable of magic and better than powerhouse of the this was far one of the best example of the branch and man dam is the universal of the story the film radiation is the hot and hot character development back story of the no idea you something and good think about very fantastic I have everything about good and good performance this movie and this and legal of the good story exploration let me understand for this movie breakfast and good of the under children poor story and less and good pointless I have everything about good performance this movie and good the new mutants because of the low review and I went entertainment but after watching and this movie after reading movie review of the example foundation I had so much fun watching this movie I have better than I thought is the masala Williams and good Anya Taylor Joy So I finally decided of the good the new movie that come out New Mutants I have seen previous X-Men Instamat include Deadpool of the film portable and special during and pandemic and I personally throughout this movie was amazing personally despite the negative review the acting was great and the diversity of the character really made it seem more modern despite some of the other things so and said in the movie we got to see some new mutant power that very really cool and definitely nod to of the Definitely of the show for this I enjoy the new mutants the cinematography is well done the cast is great the story has a nightmare of the good compliment breathtaking of the good and this movie and good I just hope the good performance this movie साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू मूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की जी हाँ इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू मूटेंट्स मूवी था जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था और अब बात करते हैं द न्यू मूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड दे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनगेज एंड द फिल्म वॉज बेटर दैन आई एक्सपेक्टेड आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विच द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम बट
आई एम एक्समैन फैन आई शो आई न्यू एन अप दैट आई कैन फ्लो द स्टोरी इज गुड ट्रेड नेशनल पावर ऑफ म्यूटेंट एंड गुड एन अप फॉर मी इट सीम दीज किड्स प्रिपेयर टू रन अवे रेदर दैन फाइट वैन क्लियरली ऑफ द स्ट्रोंगर एंड गुड चेसिंग फॉर दिस करेक्टर ऑफ द सिंसियर एंड इफेक्ट टू ब्रिंग अबाउट सिंपल द डेमन बियर ऑफ द गुड थ्रू आउट फाइट बिटवीन एंड मैजिक वॉज सो फेवरेट सिंस द आई वॉज वंडरिंग इन दिस फिल्म वॉज सेट इन द सेम कंटिन्यूटी एज अदर एक्स मैन फिल्म एट द रेस्ट एजुरेट दिस इज डन थैंक्स टू टी सीन्स ऑफ वेदर दैन ऑफ डिसीजन प्रोफेसर एक्स हिम सेल्फ वॉज द माइस्ट्री बेकर ऑफ द फैकल्टी एंड गुड एक्सटेंड सम फुटेज यूज इन द फिल्म लोगान फ्रॉम ए कपल ईयर्स ईयरली नाइस फाइनल वर्डक्ट फॉर सिम समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड जस्ट कम फ्रॉम द सिंग न्यू मूटेंट्स लेट मी स्टार्ट ऑफ बाई एड्रेसिंग ए कपल ऑफ प्रीवियस रिव्यू अबाउट दिस मूवी आई रियली एंड गुड यस्टरडे दैट समवन सैड न्यू मूटेंट्स इज बेटर दैन एक्समैन अपोलो एंड डार्क फीनिक्स इज द माई ओपिनियन वेल I honestly enjoy Dark Phoenix more than New Mutants is the little better than and overall I throughout the film was okay nothing spectacular but and villains in the film and good mutant medical faculty is despite negative review the film portable the story of the New Mutants is the contemporary way without feeling forced and good comings for this movie and character couple could have the cinematography was excellent lots of dark color and dream like sequences some of the scenes stand of the opportunity the unfinished and good think about means this film is really NQA is telling a coming book based story and introduction new set of mutants of the Marvel X-Men universal it is the part horror part science fiction but is the feel like a good and the MCU each character is back story was teaser and for this movie and surprise for this show the last night of the good I don't understand and good balancing between decent running two of the good throughout of the good and Anya Taylor of joy performance magic is the stand out of the good looks of the good think about very and venom movie and tom hardy and good just was the new mutants and the why impressive I was a soft disappointment and good spent of the good Explorer I portable of magic and better than powerhouse of the this was far one of the best example of the balance and man dam is the universal of the story the film radiation is the hot and heart character development back story of the no idea you something and good think about very fantastic I have everything about good and good performance this movie and this and legal of the good story exploration let me understand Stand for this movie breakfast and good of the under children poor story and less and good pointless I have everything about good performance this movie and good the new mutants because of the low review and I went entertainment but after watching and this movie after reading movie review of the example foundation I had so much fun watching this movie I have better than I thought is the masala Williams and good Anya Taylor Joy so I finally decide of the good the new movie that come out new mutants I have seen previous X-Men Instamat include Deadpool of the film portable and special during and pandemic and I personally throughout this movie was amazing personally despite the negative review the acting was great and the diversity of the character really made it the same modern despite some of the other things so and said in the movie we got to see some new mutant power that very really cool and definitely nod to of the Definitely of the show for this I enjoy the new mutants the cinematography is well done the cast is great the story has a nightmare of the good compliment breathtaking of the good and this movie and good I just hope the good performance this movie साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू मूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की जी हाँ इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू मूटेंट्स मूवी था जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की
रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था। और अब बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड दे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनएज एंड द फिल्म वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विथ द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम बट आई एम एक्स मैन फैन आई शो आई न्यू एन अप दैट आई कैन फ्लो द स्टोरी इज गुड ट्रेड नेशनल पावर ऑफ म्यूटेंट एंड गुड एन अप फॉर मी इट सीम दीज किड्स प्रिपेयर टू रन अवे रेदर दैन फाइट वैन क्लियरली ऑफ द स्ट्रोंगर एंड गुड चेसिंग फॉर दिस करेक्टर ऑफ द सिंसियर एंड इफेक्ट टू ब्रिंग अबाउट सिंपल द डेमन बियर ऑफ द गुड थ्रू आउट फाइट बिटवीन एंड मैजिक वॉज सो फेवरेट सिंस द आई वॉज वंडरिंग इन दिस फिल्म वॉज सेट इन द सेम कंटिन्यूटी एज अदर एक्स मैन फिल्म एट द रेस्ट एज यू रेट दिस इज डन थैंक्स टू टी सीन्स ऑफ वेदर दैन ऑफ डिसीजन प्रोफेसर एक्स हिम सेल्फ वॉज द माइस ट्री बेकर ऑफ द फैकल्टी एंड गुड एक्सटेंड सम फुटेज यूज इन द फिल्म लोगान फ्रॉम ए कपल ईयर्स ईयरली नाइस फाइनल वर्डक्ट फॉर सिम समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड जस्ट कम फ्रॉम द सिंग न्यू म्यूटेंट्स लेट मी स्टार्ट ऑफ बाई एड्रेसिंग ए कपल ऑफ प्रीवियस रिव्यू अबाउट दिस मूवी आई रियली एंड गुड यस्टरडे दैट समवन सैड न्यू म्यूटेंट्स इज बेटर दैन एक्स मैन अपोलो एंड डार्क फीनिक्स इज द माई ओपिनियन वेल आई होनेस्टली एन्जॉय डार्क फीनिक्स मोर दैन न्यू म्यूटेंट्स इज द लिटिल बेटर दैन एंड ओवरऑल आई थ्रू आउट द फिल्म वॉज ओके नथिंग स्पेक्टकुलर बट एंड विलेंस इन द फिल्म एंड गुड म्यूटेंट मेडिकल फैकल्टी इज डेस्पाइट नेगेटिव रिव्यू द फिल्म पोर्टेबल द स्टोरी ऑफ द न्यू म्यूटेंट्स इज द कंटेम्पोररी वे विदाउट फीलिंग फोर्स एंड गुड कमिंग्स फॉर दिस मूवी एंड करेक्टर कपल कुल्ड हैव द सिनेमाटोग्राफी वॉज एक्सीलेंट लॉट्स ऑफ डार्क कलर एंड ड्रीम लाइक सिक्वेंसिस सम ऑफ द सीन्स टैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी द अनफिनिश्ड एंड गुड थिंक अबाउट बिन्स दिस मोलम इज रियली अनक्यूए इज टेलिंग ए कमिंग बुक बेसिड स्टोरी एंड इंट्रोडक्शन न्यू सेट ऑफ म्यूटेंट्स ऑफ द मार्वेल एक्स मैन यूनिवर्सल इट इज द पार्ट हॉरर पार्ट साइंस फिक्शन बट इज द फील लाइक ए गुड एंड द एमसीयू इज करेक्टर इज बैक स्टोरी वाज टीजर एंड फॉर दिस मूवी एंड सरप्राइज फॉर दिस शो द लास्ट नाइट ऑफ द गुड आई डोंट अंडरस्टैंड एंड गुड बैलेंसिंग बिटवीन डिसेंट रनिंग टू ऑफ द गुड थ्रू आउट ऑफ द गुड एंड अन्या टेलर ऑफ जॉय परफॉर्मेंस मैजिक इज द स्टैंड आउट ऑफ द गुड लुक्स ऑफ द गुड थिंक अबाउट वेरी एंड वेनम मूवी एंड टॉम हार्डी एंड गुड जस्ट वॉज द न्यू म्यूटेंट्स एंड द वाई इंप्रेसिव आई वेज ए सॉफ्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड गुड स्पेंट ऑफ द गुड एक्सप्लोरर आई पोर्टेबल ऑफ मैजिक एंड बेटर दैन पावर हाउस ऑफ द दिस वॉज फार वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द बैरेंस एंड मैन डैम इज द यूनिवर्सल ऑफ द स्टोरी द फिल्म रेडिएशन इज द हॉट एंड हार्ट करैक्टर डेवलपमेंट बैक स्टोरी ऑफ द नो आइडिया रिव्यू समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी एंड दिस एंड लीगल ऑफ द गुड स्टोरी एक्सप्लोरेशन लेट मी understand for this movie break past and good of the under children poor story and less and good pointless I have everything about good performance this movie and good the new mutants because of the low review and I went entertainment but after watching and this movie after reading movie review of the example foundation I had so much fun watching this movie I have better than I thought is the masala williams and good anya taylor joy so I finally decide of the good the new movie that come out new mutants I have seen previous X-Men Instamat include Deadpool of the film portable and special during and pandemic and I personally throughout this movie was amazing personally despite the negative review the acting was great and the diversity of the character really made it a seem modern despite some of the other things so and said in the movie we got to see some new mutant power that very really cool and definitely nod to of the definitely of the show for this I enjoy the new mutants the cinematography is well done the cast is great the story has a nightmare of the good compliment breathtaking of the good and this movie and good I just hope the good performance this movie
साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू म्यूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू म्यूटेंट्स मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा। और इस मूवी की रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था। और अब बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड दे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनएजर्स एंड द फिल्म वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विच द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम, बट आई एम एक्समैन फैन। आई शो आई न्यू एन अप दैट आई कैन फ्लो द स्टोरी इज गुड ट्रेड नेशनल पावर ऑफ म्यूटेंट एंड गुड एन अप फॉर मी। इट सीम दीज किड्स प्रिपेयर टू रन अवे रेदर दैन फाइट वैन क्लियरली ऑफ द स्ट्रोंगर एंड गुड चेसिंग फॉर दिस करेक्टर ऑफ द सिंसियर एंड इफेक्ट टू ब्रिंग अबाउट सिंपल द डेमन बियर ऑफ द गुड थ्रू आउट फाइट बिटवीन एंड मैजिक वॉज सो फेवरेट सिंस द आई वॉज वंडरिंग इन दिस फिल्म वॉज सेट इन द सेम कंटिन्यूटी एज अदर एक्स मैन फिल्म एट द रेस्ट एजुरेट दिस इज डन थैंक्स टू टी सीन्स ऑफ वेदर दैन ऑफ डिसीजन प्रोफेसर एक्स हिमसेल्फ वॉज द माइस्ट्री बेकर ऑफ द फैकल्टी एंड गुड एक्सटेंड सम फुटेज यूज इन द फिल्म लोगान फ्रॉम ए कपल ईयर्स ईयरली नाइस फाइनल वर्डक्ट फॉर थिंग समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड जस्ट कम फ्रॉम द सिंग न्यू म्यूटेंट्स लेट मी स्टार्ट ऑफ बाई एड्रेसिंग ए कपल ऑफ प्रीवियस रिव्यू अबाउट दिस मूवी। आई रियली एंड गुड यस्टरडे दैट समवन सैड न्यू म्यूटेंट्स इज बेटर दैन एक्समैन अपोलो एंड डार्क फीनिक्स इज द माई ओपिनियन। वेल आई होनेस्टली एन्जॉय डार्क फीनिक्स मोर दैन न्यू म्यूटेंट्स इज द लिटिल बेटर दैन एंड ओवरऑल आई थ्रू आउट द फिल्म वॉज ओके नथिंग स्पेक्टकुलर बट एंड विलेंस इन द फिल्म एंड गुड म्यूटेंट मेडिकल फैकल्टी इज डेस्पाइट नेगेटिव रिव्यू द फिल्म पोर्टेबल द स्टोरी ऑफ द न्यू म्यूटेंट्स इज द कंटोपेरी वे विदाउट फिलिंग फोर्स एंड गुड कमिंग्स फॉर दिस मूवी एंड करेक्टर कपल कुल्ड हैव द सिनेमाटोग्राफी वॉज एक्सीलेंट लॉट्स ऑफ डार्क कलर एंड ड्रीम लाइक सिक्वेंसिस सम ऑफ द सीन्स टैंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी द अनफिनिश्ड एंड गुड थिंक अबाउट बिंस दिस मोलम इज रियली अनक्यूए इज टेलिंग ए कमिंग बुक बेसिड स्टोरी एंड इंट्रोडक्शन न्यू सेट ऑफ म्यूटेंट्स ऑफ द मार्वल एक्समैन यूनिवर्सल। इट इज द पार्ट हॉरर पार्ट साइंस फिक्शन बट इज द फील लाइक ए गुड एंड द एमसीयू इज करेक्टर इज बैक स्टोरी वॉज टीजर एंड फॉर दिस मूवी एंड सरप्राइज फॉर दिस शो द लास्ट नाइट ऑफ द गुड आई डोंट अंडरस्टैंड एंड गुड बैलेंसिंग बिटवीन डिसेंट रनिंग टू ऑफ द गुड थ्रू आउट ऑफ द गुड एंड अन्या टेलर ऑफ जॉय परफॉर्मेंस मैजिक इज द स्टैंड आउट ऑफ द गुड लुक्स ऑफ द गुड थिंक अबाउट वेरी एंड वेनम मूवी एंड टॉम हार्डी एंड गुड जस्ट वॉज द न्यू म्यूटेंट्स एंड द वाई इंप्रेसिव आई वेज ए सॉफ्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड गुड स्पेंट ऑफ द गुड एक्सप्लोरर आई पोर्टेबल ऑफ मैजिक एंड बेटर दैन पावर हाउस ऑफ द दिस वॉज फार वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द बैरेंस एंड मैन डैम इज द यूनिवर्सल ऑफ द स्टोरी द फिल्म रेडिएशन इज द हॉट एंड हार्ट करैक्टर डेवलपमेंट बैक स्टोरी ऑफ द नो आइडिया रिव्यू समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी एंड दिस एंड लीगल ऑफ द गुड स्टोरी एक्सप्लोरेशन लेट मी understand for this movie breakfast and good of the under children poor story endless and good pointless I have everything about good performance this movie and good the new mutants because of the low review and I went entertainment but after watching and this movie after reading movie review of the example foundation I had so much fun watching this movie I have better than I thought is the masala Williams and good Anya Taylor Joy so I finally decide of the good the new movie that come out new mutants I have
सीन प्रीवियस एक्स मैन इंस्टामेट इंक्लूड डेडपूल ऑफ द फिल्म पोर्टेबल एंड स्पेशल ड्यूरिंग एंड पैडमिक एंड आई पर्सनली थ्रू आउट दिस मूवी वॉज अमेजिंग पर्सनली डेस्पाइट द नेगेटिव रिव्यू द एक्टिंग वॉज ग्रेट एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द करेक्टर रियली मैड इज द सेम मॉडर्न डेस्पाइट सम ऑफ द अदर थिंग्स शो एंड सैड इन द मूवी वी गोट टू सी सम न्यू म्यूटेंट पावर दैट वेरी रियली कूल एंड डेफिनेटली नुड टू ऑफ द डेफिनेटली ऑफ द शो फॉर दिस आई एंजॉय द न्यू म्यूटेंट्स द सिनेमाटोग्राफी इज वेल डन द कास्ट इज ग्रेट द स्टोरी हैज ए नाइटमेयर ऑफ द गुड कंप्लीमेंट ब्रेक टेकिंग ऑफ द गुड एंड दिस मूवी एंड गुड आई जस्ट ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी। साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू म्यूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू म्यूटेंट्स मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था। और अब बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड दे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनएज एंड द फिल्म वॉज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विच द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम बट I am X-Men fan. I show I knew enough that I can follow the story is good traditional power of mutant and good enough for me. It seems these kids prepare to run away rather than fight when clearly of the stronger and good chasing for this character of the sincere and effect to bring about simple the demon bear of the good throughout fight between and magic was so favorite since the I was wondering in this film was set in the same continuity as other X-Men film at the rest as you read this is done thanks to T scenes of rather than of decision professor X himself was the maestri baker of the faculty and good extend some footage used in the film Logan from a couple years early nice final verdict for him something and good think about I have everything about good and just come from the seeing new mutants let me start off by addressing a couple of previous review about this movie I really and good yesterday that someone said new mutants is better than X-Men Apollo and Dark Phoenix is the my opinion well I honestly enjoy Dark Phoenix more than New Mutants is the little better than and overall I throughout the film was okay nothing spectacular but and villains in the film and good mutant medical faculty is despite negative review the film portable the story of the New Mutants is the contemporary way without feeling forced and good comings for this movie and character couple could have the cinematography was excellent lots of dark color and dream like sequences some of the scenes stand of the opportunity the unfinished and good think about bunch this film is really NQA is telling a coming book based story and introduction new set of mutants of the Marvel X-Men universal it is the part horror part science fiction but is the feel like a good and the MCU each character is back story was teaser and for this movie and surprise for this show the last night of the good I don't understand and good balancing between decent running to of the good throughout of the good and Anya Taylor of joy performance magic is the stand out of the good looks of the good think about very and venom movie and tom hardy and good just was the new mutants and the why impressive I was a soft disappointment and good spent of the good Explorer I portable of magic and better than powerhouse of the this was far one of the best example of the balance and man damn is the universal of the story the film radiation is the hot and heart character development back story of the no idea review something and good think about very fantastic I have everything about good and good performance this movie and this and legal of the good story exploration let me understand
अंडरस्टैंड फॉर दिस मूवी ब्रेक फास्ट एंड गुड ऑफ द अंडर चिल्ड्रन पुअर स्टोरी एंड लेस एंड गुड पॉइंटलेस आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी एंड गुड द न्यू म्यूटेंट्स बिकॉज ऑफ द लव रिव्यू एंड आई वेंट एंटरटेनमेंट बट आफ्टर वॉचिंग एंड दिस मूवी आफ्टर रीडिंग मूवी रिव्यू ऑफ द एग्जाम्पल फाउंडेशन आई हैड सो मच फन वॉचिंग दिस मूवी आई हैव बेटर दैन आई थॉट इज द मसाला विलियम्स एंड गुड अन्या टेलर जॉय सो आई फाइनली डिसाइड ऑफ द गुड द न्यू मूवी दैट कम आउट न्यू म्यूटेंट्स आई हैव सीन प्रीवियस एक्समैन इंस्टामैट इंक्लूड डीड पुल ऑफ द फिल्म पोर्टेबल एंड स्पेशल ड्यूरिंग एंड पैडमिक एंड आई पर्सनली थ्रू आउट दिस मूवी वॉज अमेजिंग पर्सनली डेस्पाइट द नेगेटिव रिव्यू द एक्टिंग वॉज ग्रेट एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द करेक्टर रियली मैड इज द सेम मोर मॉडर्न डेस्पाइट सम ऑफ द अदर थिंग्स शो एंड सैड इन द मूवी वी गोट टू सी सम न्यू म्यूटेंट पावर एट दैट वेरी रियली कूल एंड डेफिनेटली नुड टू ऑफ द definitely of the show for this I enjoy the new mutants the cinematography is well done the cast is great the story has a nightmare of the good compliment breathtaking of the good and this movie and good I just of the good performance this movie साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू म्यूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू म्यूटेंट्स मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा। और इस मूवी की रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था। और अब बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड दे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनएजर्स एंड द फिल्म वॉज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विच द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम बट I am X-Men fan. I show I knew enough that I can follow the story is good trade national power of mutant and good enough for me. It seems these kids prepare to run away rather than fight when clearly of the stronger and good chasing for this character of the sincere and effect to bring about simple the demon bear of the good throughout fight between and magic was so favorite since the I was wondering in this film was set in the same continuity as other X-Men film at the rest assured this is done thanks to T scenes of rather than of decision professor X himself was the mystery baker of the faculty and good extend some footage used in the film Logan from a couple years early nice final verdict for him something and good think about I have everything about good and just come from the seeing new mutants let me start off by addressing a couple of previous review about this movie I really and good yesterday that someone said new mutants is better than X-Men Apollo and Dark Phoenix is the my opinion well and I honestly enjoy Dark Phoenix more than New Mutants is the little better than and overall I throughout the film was okay nothing spectacular but and villains in the film and good mutant medical faculty is despite negative review the film portable the story of the New Mutants is the contemporary way without feeling forced and good comings for this movie and character couple could have the cinematography was excellent lots of dark color and dream like sequences some of the scenes stand of the opportunity the unfinished and good think about means this film is really NQA is telling a coming book based story and introduction new set of mutants of the Marvel X-Men universal it is the part horror part science fiction but is the feel like a good and the MCU each character is back story was teaser and for this movie and surprise for this show the last night of the good I don't understand and good balancing between decent running to of the good throughout of the good and Anya Taylor of joy performance magic is the stand out of the good looks of the good think about very and venom movie and tom hardy and good just was the new mutants and the why impressive I was a soft disappointment and good spent of the good
एक्सप्लोरर आई पोर्टेबल ऑफ मैजिक एंड बेटर देन पावर हाउस ऑफ द दिस वाज फार वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द बैरेंस एंड मैन डैम इज द यूनिवर्सल ऑफ द स्टोरी द फिल्म रेडिएशन इज द हॉट एंड हार्ट करेक्टर डेवलपमेंट बैक स्टोरी ऑफ द नो आइडिया रिव्यू समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी एंड दिस एंड लीगल ऑफ द गुड स्टोरी एक्सप्लोरेशन लेट मी understand for this movie breakfast and good of the under children poor story endless and good pointless I have everything about good performance this movie and good the new mutants because of the low review and I went entertainment but after watching and this movie after reading movie review of the example foundation I had so much fun watching this movie I have better than I thought is the masala williams and good anya taylor joy so I finally decide of the good the new movie that come out new mutants I have seen previous X-Men Instamat include Deadpool of the film portable and special during and pandemic and I personally throughout this movie was amazing personally despite the negative review the acting was great and the diversity of the character really made it seem more modern despite some of the other things so and said in the movie we got to see some new mutant power that very really cool and definitely nod to of the definitely of the show for this I enjoy the new mutants the cinematography is well done the cast is great the story has a nightmare of the good compliment breathtaking of the good and this movie and good I just hope the good performance this movie साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू म्यूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू म्यूटेंट्स मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था। और अब बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड दे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनएजर्स एंड द फिल्म वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विच द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम बट I am X-Men fan. I show I knew enough that I can follow the story is good traditional power of mutant and good enough for me. It seems these kids prepare to run away rather than fight when clearly of the stronger and good chasing for this character of the sincere and effect to bring about simple the demon bear of the good throughout fight between and magic was so favorite since the I was wondering in this film was set in the same continuity as other X-Men film at the rest assured this is done thanks to T scenes of weather than of decision professor X himself was the maestri baker of the faculty and good extend some footage used in the film Logan from a couple years early nice final verdict for him something and good think about I have everything about good and just come from the seeing new mutants let me start off by addressing a couple of previous review about this movie I really and good yesterday that someone said new mutants is better than X-Men Apollo and Dark Phoenix is the my opinion well and I honestly enjoy Dark Phoenix more than New Mutants is the little better than and overall I throughout the film was okay nothing spectacular but and villains in the film and good mutant medical faculty is despite negative review the film portable the story of the New Mutants is the contemporary way without feeling forced and good comings for this movie and character couple could have the cinematography was excellent lots of dark color and dream like sequences some of the scenes stand of the opportunity the unfinished and good thing about bunch this film
इज रियली एनक्यूए इज टेलिंग ए कमिंग बुक बेसिड स्टोरी एंड इंट्रोडक्शन न्यू सेट ऑफ म्यूटेंट्स ऑफ द मार्वल एक्समैन यूनिवर्सल इट इज द पार्ट हॉरर पार्ट साइंस फिक्शन बट इज द फील लाइक ए गुड एंड द एमसीयू इज कैरेक्टर इज बैक स्टोरी वाज टीजर एंड फॉर दिस मूवी एंड सरप्राइज फॉर दिस शो द लास्ट नाइट ऑफ द गुड आई डोंट अंडरस्टैंड एंड गुड बैलेंसिंग बिटवीन डिसेंट रनिंग टू ऑफ द गुड थ्रू आउट ऑफ द गुड एंड अन्या टेलर ऑफ जॉय परफॉर्मेंस मैजिक इज द स्टैंड आउट ऑफ द गुड लुक्स ऑफ द गुड थिंक अबाउट वेरी एंड वेनम मूवी एंड टॉम हार्डी एंड गुड जस्ट वॉज द न्यू म्यूटेंट्स एंड द वाई इंप्रेसिव आई वेज ए सॉफ्ट डिसअपॉइंटमेंट एंड गुड स्पेंट ऑफ द गुड एक्सप्लोरर आई पोर्टेबल ऑफ मैजिक एंड बेटर दैन पावर हाउस ऑफ द दिस वॉज फार वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द बैरेंस एंड मैन डैम इज द यूनिवर्सल ऑफ द स्टोरी द फिल्म रेडिएशन इज द हॉट एंड हार्ट करैक्टर डेवलपमेंट बैक स्टोरी ऑफ द नो आइडिया रिव्यू समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट वेरी फैंटेस्टी आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी एंड दिस एंड लीगल ऑफ द गुड स्टोरी एक्सप्लोरेशन लेट मी understand for this movie breakfast and good of the under children poor story and less and good pointless I have everything about good performance this movie and good the new mutants because of the low review and I went entertainment but after watching and this movie after reading movie review of the example foundation I had so much fun watching this movie I have better than I thought is the masala williams and good anya taylor joy so I finally decide of the good the new movie that come out new mutants I have seen previous X-Men Instamat include Deadpool of the film portable and special during and pandemic and I personally throughout this movie was amazing personally despite the negative review the acting was great and the diversity of the character really made it seem more modern despite some of the other things show and said in the movie we got to see some new mutant power that very really cool and definitely nod to of the definitely of the show for this I enjoy the new mutants the cinematography is well done the cast is great the story has a nightmare of the good compliment breathtaking of the good and this movie and good I just hope the good performance this movie साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू म्यूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू म्यूटेंट्स मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा। और इस मूवी की रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था। और अब बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड दे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनएजर्स एंड द फिल्म वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विच द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम बट I am X-Men fan I show I knew enough that I can follow the story is good trade national power of mutant and good enough for me it seem these kids prepare to run away rather than fight when clearly of the stronger and good chasing for this character of the sincere and effect to bring about simple the demon bear of the good throughout fight between and magic was so favorite since the I was wondering in this film was set in the same continuity as other X-Men film at the rest assured this is done thanks to T scenes of weather than of decision professor X himself was the mystery baker of the faculty and good extend some footage used in the film Logan from a couple years early nice final verdict for him something and good think about I have everything about good and just come from the seeing new mutants let me start off by addressing a couple of previous review about this movie I really and good yesterday that someone said new mutants is better than X-Men Apollo and Dark Phoenix is the my opinion well and
आई होनेस्टली एंजॉय डार्क फीनिक्स मोर दैन न्यू म्यूटेंट्स इज द लिटिल बेटर दैन एंड ओवरऑल आई थ्रू आउट द फिल्म वॉज ओके नथिंग स्पेक्टकुलर बट एंड विलेंस इन द फिल्म एंड गुड म्यूटेंट मेडिकल फैकल्टी इज डेस्पाइट नेगेटिव रिव्यू द फिल्म पोर्टेबल द स्टोरी ऑफ द न्यू म्यूटेंट्स इज द कंटेम्पररी वे विदाउट फीलिंग फोर्स एंड गुड कमिंग्स फॉर दिस मूवी एंड करेक्टर कपल कुल्ड हैव द सिनेमाटोग्राफी वॉज एक्सीलेंट लॉट्स ऑफ डार्क कलर एंड ड्रीम like sequences some of the scenes stand of the opportunity the unfinished and good thing about Bunch this film is really unique is telling a coming book based story and introduction new set of mutants of the Marvel X-Men universal it is the part horror part science fiction but is the feel like a good and the MCU each character is back story was teaser and for this movie and surprise for this show the last night of the good I don't understand and good balancing between decent running two of the good throughout of the good and Anya Taylor of Joy performance magic is the stand out of the good looks of the good thing about very and Venom movie and Tom Hardy and good just was the new mutants and the why impressive I was a soft disappointment and good spent of the good Explorer I portable of magic and better than powerhouse of the this was far one of the best example of the balance and man dam is the universal of the story the film radiation is the hot and heart character development back story of the no idea you something and good thing about very fantastic I have everything about good and good performance this movie and this and legal of the good story exploration let me understand for this movie break past and good of the under children poor story endless and good pointless I have everything about good performance this movie and good the new mutants because of the low review and I went entertainment but after watching and this movie after reading movie review of the example foundation I had so much fun watching this movie I have better than I thought is the masala williams and good Anya Taylor Joy so I finally decide of the good the new movie that come out new mutants I have seen previous X-Men installment include Deadpool of the film portable and special during and pandemic and I personally throughout this movie was amazing personally despite the negative review the acting was great and the diversity of the character really made it the same modern despite some of the other things so and said in the movie we got to see some new mutant power that very really cool and definitely nod to of the Definitely of the show for this I enjoy the new mutants the cinematography is well done the cast is great the story has a nightmare of the good compliment breathtaking of the good and this movie and good I just of the good performance this movie साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू म्यूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की जी हाँ इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू म्यूटेंट्स मूवी था जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था और अब बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड डे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनएज एंड द फिल्म वॉज बेटर दैन आई एक्सपेक्टेड आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विच द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम बट I am X-Men fan I show I knew enough that I can follow the story is good trade national power of mutant and good enough for me it seem these kids prepare to run away rather than fight when clearly of the stronger and good chasing for this character of the sincere and effect to bring about simple the demon bear of the good throughout fight between and magic was so favorite since the I was wondering in this film was set in the same continuity as
अदर एक्स मैन फिल्म एट द रेस्ट एजुरेट दिस इज डन थैंक्स टू टी सीन्स ऑफ वेदर दैन ऑफ डिसीजन प्रोफेसर एक्स हिमसेल्फ वाज द माइस्ट्री बेकर ऑफ द फैकल्टी एंड गुड एक्सटेंड सम फुटेज यूज इन द फिल्म लोगान फ्रॉम ए कपल ईयर्स ईयरली नाइस फाइनल वर्डक्ट फॉर सिम समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड जस्ट कम फ्रॉम द सिंग न्यू मूटेंट्स लेट मी स्टार्ट ऑप बाई एड्रेसिंग ए कपल ऑफ प्रीवियस रिव्यू अबाउट दिस मूवी आई रियली एंड गुड यस्टरडे दैट समवन सैड न्यू मूटेंट्स इज बेटर दैन एक्स मैन अपोलो एंड डार्क फीनिक्स इज द माई ओपिनियन वेल आई होनेस्टली एन्जॉय डार्क फीनिक्स मोर दैन न्यू म्यूटेंट्स इज द लिटिल बेटर दैन एंड ओवरऑल आई थ्रू आउट द फिल्म वॉज ओके नथिंग स्पेक्टकुलर बट एंड विलेंस इन द फिल्म एंड गुड म्यूटेंट मेडिकल फैकल्टी इज डेस्पाइट नेगेटिव रिव्यू द फिल्म पोर्टेबल द स्टोरी ऑफ द न्यू म्यूटेंट्स इज द कंटेम्पोररी वे विदाउट फीलिंग फोर्स एंड गुड कमिंग्स फॉर दिस मूवी एंड करेक्टर कपल कुल्ड हैव द सिनेमाटोग्राफी वॉज एक्सीलेंट लॉट्स ऑफ डार्क कलर एंड ड्रीम Like sequences, some of the scenes stand of the opportunity, the unfinished and good thing about Bunch, this film is really NQA is telling a coming book based story and introduction new set of mutants of the Marvel X-Men universal it is the part horror part science fiction but is the feel like a good and the MCU each character is back story was teaser and for this movie and surprise for this show the last night of the good I don't understand and good balancing between decent running to of the good throughout of the good and Anya Taylor of Joy performance magic is the standout of the good looks of the good thing about very and Venom movie and Tom Hardy and good just was the new mutants and the why impressive I was a soft disappointment and good spent of the good Explorer eye portable of magic and better than powerhouse of the this was far one of the best example of the balance and man damn is the universal of the story the film radiation is the hot and heart character development back story of the no idea review something and good thing about very fantastic I have everything about good and good performance this movie and this and legal of the good story exploration let me understand Understand for this movie break past and good of the under children poor story and less and good pointless I have everything about good performance this movie and good the new mutants because of the low review and I went entertainment but after watching and this movie after reading movie review of the example foundation I had so much fun watching this movie I have better than I thought is the Masala Williams and good Anya Taylor-Joy so I finally decided of the good the new movie that come out new mutants I have seen previous X-Men Instamat include Deadpool of the film portable and special during and pandemic and I personally throughout this movie was amazing personally despite the negative review the acting was great and the diversity of the character really made it seem more modern despite some of the other things so and said in the movie we got to see some new mutant power that very really cool and definitely nod to of the Definitely of the show for this I enjoy the new mutants the cinematography is well done the cast is great the story has a nightmare of the good compliment breathtaking of the good and this movie and good I just of the good performance this movie साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू म्यूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की जी हाँ इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू म्यूटेंट्स मूवी था जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था और अब बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड डे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनएजर्स एंड द फिल्म वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विद द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम बट
आई एम एक्समैन फैन आई शो आई न्यू एन अप दैट आई कैन फ्लो द स्टोरी इज गुड ट्रेड नेशनल पावर ऑफ म्यूटेंट एंड गुड एन अप फॉर मी इट सीम दीज किड्स प्रिपेयर टू रन अवे रेदर दैन फाइट वैन क्लियरली ऑफ द स्ट्रोंगर एंड गुड चेसिंग फॉर दिस करेक्टर ऑफ द सिंसियर एंड इफेक्ट टू ब्रिंग अबाउट सिंपल द डेमन बियर ऑफ द गुड थ्रू आउट फाइट बिटवीन एंड मैजिक वॉज सो फेवरेट सिंस द आई वॉज वंडरिंग इन दिस फिल्म वॉज सेट इन द सेम कंटिन्यूटी एज अदर एक्स मैन फिल्म एट द रेस्ट एजुरेट दिस इज डन थैंक्स टू टी सीन्स ऑफ वेदर दैन ऑफ डिसीजन प्रोफेसर एक्स हिमसेल्फ वॉज द माइस्ट्री बेकर ऑफ द फैकल्टी एंड गुड एक्सटेंड सम फुटेज यूज इन द फिल्म लोगान फ्रॉम ए कपल ईयर्स ईयरली नाइस फाइनल वर्डक्ट फॉर सिम समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड जस्ट कम फ्रॉम द सिंग न्यू मूटेंट्स लेट मी स्टार्ट ऑफ बाई एड्रेसिंग ए कपल ऑफ प्रीवियस रिव्यू अबाउट दिस मूवी आई रियली एंड गुड यस्टरडे दैट समवन सैड न्यू मूटेंट्स इज बेटर दैन एक्समैन अपोलो एंड डार्क फीनिक्स इज द माई ओपिनियन वेल I honestly enjoy Dark Phoenix more than New Mutants is the little better than and overall I throughout the film was okay nothing spectacular but and villains in the film and good mutant medical faculty is despite negative review the film portable the story of the New Mutants is the contemporary way without feeling forced and good comings for this movie and character couple could have the cinematography was excellent lots of dark color and dream like sequences some of the scenes stand of the opportunity the unfinished and good think about means this film is really NQA is telling a coming book based story and introduction new set of mutants of the Marvel X-Men universal it is the part horror part science fiction but is the feel like a good and the MCU each character is back story was teaser and for this movie and surprise for this show the last night of the good I don't understand and good balancing between decent running two of the good throughout of the good and Anya Taylor of joy performance magic is the stand out of the good looks of the good think about very and venom movie and tom hardy and good just was the new mutants and the why impressive I was a soft disappointment and good spent of the good Explorer I portable of magic and better than powerhouse of the this was far one of the best example of the balance and man dam is the universal of the story the film radiation is the hot and heart character development back story of the no idea you something and good think about very fantastic I have everything about good and good performance this movie and this and legal of the good story exploration let me understand stand for this movie breakfast and good of the under children poor story and less and good pointless I have everything about good performance this movie and good the new mutants because of the low review and I went entertainment but after watching and this movie after reading movie review of the example foundation I had so much fun watching this movie I have better than I thought is the masala williams and good Anya Taylor Joy so I finally decide of the good the new movie that come out new mutants I have seen previous X-Men Instamat include Deadpool of the film portable and special during and pandemic and I personally throughout this movie was amazing personally despite the negative review the acting was great and the diversity of the character really made it the same modern despite some of the other things so and said in the movie we got to see some new mutant power that very really cool and definitely nod to of the definitely of the show for this I enjoy the new mutants the cinematography is well done the cast is great the story has a nightmare of the good compliment breathtaking of the good and this movie and good I just hope the good performance this movie साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू मूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की जी हाँ इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू मूटेंट्स मूवी था जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा और इस मूवी की
रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था। और अब बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड दे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनएजर्स एंड द फिल्म वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विच द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम बट आई एम एक्स मैन फैन आई शो आई न्यू एन अप दैट आई कैन फ्लो द स्टोरी इज गुड ट्रेड नेशनल पावर ऑफ म्यूटेंट एंड गुड एन अप फॉर मी इट सीम दीज किड्स प्रिपेयर टू रन अवे रेदर दैन फाइट वैन क्लियरली ऑफ द स्ट्रोंगर एंड गुड चेसिंग फॉर दिस करेक्टर ऑफ द सिंसियर एंड इफेक्ट टू ब्रिंग अबाउट सिंपल द डेमन बियर ऑफ द गुड थ्रू आउट फाइट बिटवीन एंड मैजिक वॉज सो फेवरेट सिंस द आई वॉज वंडरिंग इन दिस फिल्म वॉज सेट इन द सेम कंटिन्यूटी एज अदर एक्स मैन फिल्म एट द रेस्ट एजुरेट दिस इज डन थैंक्स टू टी सीन्स ऑफ वेदर दैन ऑफ डिसीजन प्रोफेसर एक्स हिम सेल्फ वॉज द माई स्ट्री बेकर ऑफ द फैकल्टी एंड गुड एक्सटेंड सम फुटेज यूज इन द फिल्म लोगान फ्रॉम ए कपल ईयर्स ईयरली नाइस फाइनल वर्डक्ट फॉर सिम समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड जस्ट कम फ्रॉम द सिंग न्यू म्यूटेंट्स लेट मी स्टार्ट ऑफ बाई एड्रेसिंग ए कपल ऑफ प्रीवियस रिव्यू अबाउट दिस मूवी आई रियली एंड गुड यस्टरडे दैट समवन सैड न्यू म्यूटेंट्स इज बेटर दैन एक्स मैन अपोलो एंड डार्क फीनिक्स इज द माई ओपिनियन वेल I honestly enjoy Dark Phoenix more than New Mutants is the little better than and overall I throughout the film was okay nothing spectacular but and villains in the film and good mutant medical faculty is despite negative review the film portable the story of the New Mutants is the contemporary way without feeling force and good comings for this movie and character couple could have the cinematography was excellent lots of dark color and dream like sequences some of the scenes stand of the opportunity the unfinished and good think about bunch this film is really NQA is telling a coming book based story and introduction new set of mutants of the Marvel X-Men universal it is the part horror part science fiction but is the feel like a good and the MCU each character is back story was teaser and for this movie and surprise for this show the last night of the good I don't understand and good balancing between decent running two of the good throughout of the good and Anya Taylor of Joy performance magic is the stand out of the good looks of the good think about very and Venom movie and Tom Hardy and good just was the new mutants and the why impressive I was a soft disappointment and good spent of the good Explorer I portable of magic and better than powerhouse of the this was far one of the best example of the balance and man dam is the universal of the story the film radiation is the hot and heart character development back story of the no idea review something and good think about very fantastic I have everything about good and good performance this movie and this and legal of the good story exploration let me understand for this movie break past and good of the under children poor story and less and good pointless I have everything about good performance this movie and good the new mutants because of the low review and I went entertainment but after watching and this movie after reading movie review of the example foundation I had so much fun watching this movie I have better than I thought is the Masala Williams and good Anya Taylor Joy so I finally decided of the good the new movie that come out new mutants I have seen previous X-Men installment include Deadpool of the film portable and special during and pandemic and I personally throughout this movie was amazing personally despite the negative review the acting was great and the diversity of the character really made it the same more modern despite some of the other things show and said in the movie we got to see some new mutant power that very really cool and definitely nod to of the definitely of the show for this I enjoy the new mutants the cinematography is well done the cast is great the story has a nightmare of the good compliment breathtaking of the good and this movie and good I just hope the good performance this movie
साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू म्यूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू म्यूटेंट्स मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा। और इस मूवी की रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था। और अब बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड दे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनएजर्स एंड द फिल्म वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड। आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विच द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम बट आई एम एक्समैन फैन आई शो आई न्यू एन अप दैट आई कैन फ्लो द स्टोरी इज गुड ट्रेड नेशनल पावर ऑफ म्यूटेंट एंड गुड एन अप फॉर मी इट सीम दीज किड्स प्रिपेयर टू रन अवे रेदर दैन फाइट वैन क्लियरली ऑफ द स्ट्रोंगर एंड गुड चेसिंग फॉर दिस करेक्टर ऑफ द सिंसियर एंड इफेक्ट टू ब्रिंग अबाउट सिंपल द डेमन बियर ऑफ द गुड थ्रू आउट फाइट बिटवीन एंड मैजिक वॉज सो फेवरेट सिंस द आई वॉज वंडरिंग इन दिस फिल्म वॉज सेट इन द सेम कंटिन्यूटी एज अदर एक्स मैन फिल्म एट द रेस्ट एजुरेट दिस इज डन थैंक्स टू टी सीन्स ऑफ वेदर दैन ऑफ डिसीजन प्रोफेसर एक्स हिमसेल्फ वाज द माइस्ट्री बेकर ऑफ द फैकल्टी एंड गुड एक्सटेंड सम फुटेज यूज इन द फिल्म लोगान फ्रॉम ए कपल ईयर्स ईयरली नाइस फाइनल वर्डक्ट फॉर सिम समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड जस्ट कम फ्रॉम द सिंग न्यू म्यूटेंट्स लेट मी स्टार्ट ऑफ बाई एड्रेसिंग ए कपल ऑफ प्रीवियस Review about this movie. I really and good yesterday that someone said New Mutants is better than X-Men Apollo and Dark Phoenix is the my opinion. Well, I honestly enjoy Dark Phoenix more than New Mutants is the little better than and overall I throughout the film was okay, nothing spectacular but and villains in the film and good mutant medical faculty is despite negative review the film portable the story of the New Mutants is the contemporary way without feeling forced and good comings for this movie and character couple could have the cinematography was excellent lots of dark color and dream like sequences some of the scenes stand of the opportunity the unfinished and good think about means this film is really NQA is telling a coming book based story and introduction new set of mutants of the Marvel X-Men universal it is the part horror part science fiction but is the feel like a good and the MCU each character is back story was teaser and for this movie and surprise for this show the last night of the good I don't understand and good balancing between decent running two of the good throughout of the good and Anya Taylor of joy performance magic is the stand out of the good looks of the good think about very and venom movie and tom hardy and good just was the new mutants and the why impressive I was a soft disappointment and good spent of the good Explorer I portable of magic and better than powerhouse of the this was far one of the best example of the branch and man dam is the universal of the story the film radiation is the hot and heart character development back story of the no idea you something and good think about very fantastic I have everything about good and good performance this movie and this and legal of the good story exploration let me understand for this movie breakfast and good of the under children poor story and less and good pointless I have everything about good performance this movie and good the new mutants because of the low review and I went entertainment but after watching and this movie after reading movie review of the example foundation I had so much fun watching this movie I have better than I thought is the masala williams and good Anya Taylor Joy so I finally decide of the good the new movie that come out new mutants I have
सीन प्रीवियस एक्स मैन इंस्टामेट इंक्लूड डीड पुल ऑफ द फिल्म पोर्टेबल एंड स्पेशल ड्यूरिंग एंड पैडमिक एंड आई पर्सनली थ्रू आउट दिस मूवी वॉज अमेजिंग पर्सनली डेस्पाइट द नेगेटिव रिव्यू द एक्टिंग वॉज ग्रेट एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द करेक्टर रियली मैड इज द सेम मोर मॉडर्न डेस्पाइट सम ऑफ द अदर थिंग्स शो एंड सैड इन द मूवी वी गोट टू सी सम न्यू म्यूटेंट पावर दैट वेरी रियली कूल एंड डेफिनेटली नुड टू ऑफ द डेफिनेटली ऑफ द शो फॉर दिस आई एंजॉय द न्यू म्यूटेंट्स द सिनेमाटोग्राफी इज वेल डन द कास्ट इज ग्रेट द स्टोरी हैज ए नाइटमेयर ऑफ द गुड कंप्लीमेंट ब्रेक टेकिंग ऑफ द गुड एंड दिस मूवी एंड गुड आई जस्ट ऑफ द गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी। साल 2020 में रिलीज हुई द न्यू म्यूटेंट्स मूवी जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट साबित हुई थी अन्या टेलर के कैरियर की। जी हाँ, इस फिल्म को बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया और फिल्म का नाम था द न्यू म्यूटेंट्स मूवी था, जो साल 2020 में बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई थी। जो इस फिल्म को कैटेगरी मिली वह कैटेगरी हॉरर और एक्शन की कैटेगरी की फिल्म, और इस मूवी का रनिंग टाइम 1 घंटे 34 मिनट तक आपको देखने को मिलेगा। और इस मूवी की रिलीज डेट 28 अगस्त 2020 को रिलीज किया गया और इस मूवी के डायरेक्टर जोस बोनो थे। और इस मूवी के बजट की बात करें तो इस मूवी का बजट $80 मिलियन था। और अब बात करते हैं द न्यू म्यूटेंट्स मूवी के जो ऑडियंस रिव्यू हैं उनके बारे में। एंड लास्ट ड्यूरिंग ऑफ दिस गुड दे एंड प्रिपेयर ए ग्रुप ऑफ टीनएजर्स एंड द फिल्म वाज बेटर देन आई एक्सपेक्टेड आई डोंट न्यू मच अबाउट द न्यू म्यूटेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट्स कमिंग बुक्स विद द फिल्म टैग इज द आइडिया फ्रॉम बट I am X-Men fan. I show I knew enough that I can follow the story is good trade national power of mutant and good enough for me. It seem these kids prepare to run away rather than fight when clearly of the stronger and good chasing for this character of the sincere and effect to bring about simple the demon bear of the good throughout fight between and magic was so favorite since the I was wondering in this film was set in the same continuity as अदर एक्स मैन फिल्म एट द रेस्ट एजुरेट दिस इज डन थैंक्स टू टी सीन्स ऑफ वेदर दैन ऑफ डिसीजन प्रोफेसर एक्स हिमसेल्फ वाज द माइस्ट्री बेकर ऑफ द फैकल्टी एंड गुड एक्सटेंड सम फुटेज यूज इन द फिल्म लोगान फ्रॉम ए कपल ईयर्स ईयरली नाइस फाइनल वर्डक्ट फॉर थिंग समथिंग एंड गुड थिंक अबाउट आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड एंड जस्ट कम फ्रॉम द सिंग न्यू म्यूटेंट्स लेट मी स्टार्ट ऑफ बाई एड्रेसिंग ए कपल ऑफ प्रीवियस review about this movie. I really and good yesterday that someone said New Mutants is better than X-Men Apollo and Dark Phoenix is the my opinion. Well, I honestly enjoy Dark Phoenix more than New Mutants is the little better than and overall I throughout the film was okay, nothing spectacular but and villains in the film and good mutant medical faculty is despite negative review the film portable the story of the New Mutants is the contemporary way without feeling force and good comings for this movie and character couple could have the cinematography was excellent lots of dark color and dream like sequences some of the scenes stand of the opportunity the unfinished and good think about bunch this film is really NQA is telling a coming book based story and introduction new set of mutants of the Marvel X-Men universal it is the part horror part science fiction but is the feel like a good and the MCU each character is back story was teaser and for this movie and surprise for this show the last night of the good I don't understand and good balancing between decent running to of the good throughout of the good and Anya Taylor of joy performance magic is the stand out of the good looks of the good think about very and venom movie and tom hardy and good just was the new mutants and the why impressive I was a soft disappointment and good spent of the good Explorer I portable of magic and better than powerhouse of the this was far one of the best example of the balance and man dam is the universal of the story the film radiation is the hot and heart character development back story of the no idea review something and good think about very fantastic I have everything about good and good performance this movie and this and legal of the good story exploration let me
अंडरस्टैंड फॉर दिस मूवी ब्रेक फास्ट एंड गुड ऑफ द अंडर चिल्ड्रन पुअर स्टोरी एंड लेस एंड गुड पॉइंटलेस आई हैव एवरी थिंक अबाउट गुड परफॉर्मेंस दिस मूवी एंड गुड द न्यू म्यूटेंट्स बिकॉज ऑफ द लव रिव्यू एंड आई वेंट एंटरटेनमेंट बट आफ्टर वॉचिंग एंड दिस मूवी आफ्टर रीडिंग मूवी रिव्यू ऑफ द एग्जाम्पल फाउंडेशन आई हैड सो मच फन वॉचिंग दिस मूवी आई हैव बेटर दैन आई थॉट इज द मसाला विलियम्स एंड गुड अन्या टेलर जोय सो आई फाइनली डिसाइड ऑफ द गुड द न्यू मूवी दैट कम आउट न्यू म्यूटेंट्स आई हैव सीन प्रीवियस एक्समैन इंस्टामैट इंक्लूड डीड पुल ऑफ द फिल्म पोर्टेबल एंड स्पेशल ड्यूरिंग एंड पैडमिक एंड आई पर्सनली थ्रू आउट दिस मूवी वॉज अमेजिंग पर्सनली डेस्पाइट द नेगेटिव रिव्यू द एक्टिंग वॉज ग्रेट एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द करेक्टर रियली मैड इज द सेम मोर मॉडर्न डेस्पाइट सम ऑफ द अदर थिंग्स शो एंड सैड इन द मूवी वी गोट टू सी सम न्यू म्यूटेंट पावर दैट वेरी रियली कूल एंड डेफिनेटली नुड टू ऑफ द Definitely of the show for this I enjoy the new mutants the cinematography is well done the cast is great the story has a nightmare of the good compliment breathtaking of the good and this movie and good I just hope the good performance